भाजपा के सांसद तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने त्रिवेंद्र सिंह रावत का स्थान लिया। हालांकि इस दौड़ में उनका नाम कहीं नहीं था, लेकिन ऐन मौके पर बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए तीरथ सिंह का नाम आगे कर दिया। बीजेपी ने अगले साल होने वाले चुनावों और रावत की संगठन क्षमता को देखते हुए उन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। आइए जानते हैं कौन है तीरथ सिंह रावत और उनसे जुड़ी 10 बड़ी बातें। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में रावत पौड़ी गढ़वाल से भाजपा के सांसद हैं। साल 2019 में उन्होंने कांग्रेस के मनीष खंडूडी को बड़े अंतर से चुनाव में पटखनी दी थी। रावत 9 फरवरी 2013 से 31 दिसंबर 2015 तक उत्तराखंड भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। तीरथ सिंह रावत जब उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष थे, तब भाजपा ने सभी 5 सीटों पर विजय हासिल की थी। साल 2007 में रावत को उत्तराखंड राज्य का पार्टी महामंत्री बनाया गया। साल 2012 में चौपटा खाल विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए। रावत 1983 से 1988 तक आरएसएस के प्रचारक भी रहे। साथ ही अखिल भारतवर्षीय विद्या परिषद उत्तराखंड के संगठन मंत्री भी रहे। उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व साल 1997 में रावत उत्तर प्रदेश विधानसभा परिषद के सदस्य भी रहे। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री हैं। इनमें 3 बार कांग्रेस के हरीश रावत मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जबकि 2 बार भाजपा नेता भुवन चंद खंडूडी मुख्यमंत्री रहे हैं। कांग्रेस के नारायण दत्त तिवाड़ी एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा किया। ऐसा माना जा रहा है कि तीरथ सिंह निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत की ही पसंद है। दोनों लंबे समय तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक में साथ साथ काम कर चुके हैं। टीम खबर अपडेट।